फैक्ट्री में जिस तरह से आप सभी लोग दिन रात 24 घंटे छुट्टी के दिन काम करी जा रहे हैं, तो इससे सब छुटकारा पा सकते हैं। और आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि संगत का बहुत बड़ा असर होता है। अगर आप अच्छे लोगों के संगत में रहोगे तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे अच्छे बनते चले जाओगे। देखिए, अच्छाई आपके अंदर, जिस समाज में आप रह रहे हो उस समाज में आपको अच्छे गुणों की ज्यादा जरूरत है आगे बढ़ने के लिए। जैसे एक चुंबक हो, दो तरह के चुंबक हो ना, जो बचपन में हम लोग खेला करते थे, एक बड़ा चुंबक होता था, एक छोटा होता था। अगर दोनों को पास में रखा जाता था तो बड़ा वाला छोटे वाले को खींच लेता था। उसी तरह से अच्छाई और बुराई दोनों चुंबक है, दोनों खींचते हैं अपने तरफ। अगर बड़ा वाला रहेगा, अगर आपके पास अच्छाई ज्यादा है तो आप बुरे वाले इंसान को अपनी तरफ खींच सकते हो। अगर उसके अंदर बुराई ज्यादा है और आपके अंदर थोड़ा बुराई अच्छाई है, तो ज्यादा समय उसके पास अगर रहोगे तो 99% चांस होता है कि आप उसके पास खींच के चले जाओगे। इसीलिए आप अपने अच्छे गुणों का विकास करने के लिए इस जूम मीटिंग में लगातार बने रहें, आते रहें, ताकि निगेटिव लोग, बुरे लोग आपको अपनी तरफ खींच ना पाए और कामयाब होने से रोक ना पाए। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपने गुरु जी प्रमोद मौर्या जी को इनवाइट करता हूं कि वो आगे की कड़ी में हम लोगों को सिखाएं आगे क्या करना है, कैसे करना है। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन प्रमोद मौर्या जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप सर, थैंक यू। शुरुआत करते हैं 7 बजे से 7:30, 7 से 7:30 इस गर्मी में 7:30 बजे जूम चला रही, जो कि गलत बात है। 7 बजे ही चलानी चाहिए एक हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन हम 7:30 बजे भी जूम पे नहीं आ पा रहे, तो क्या ज़िंदगी बदल जाएगी? सोच के देखिए, अगर 7:30 बजे कोई मालिक आपको काम पर बुला लेता है तो आपकी नींद खुल जाती है, फिर आप वहाँ नहा धोकर के 6:30 बजे ही पहुँच जाते हो, बाबू जी गेट खोलो, हमको काम करना है, हमको अपना दिहाड़ी बनानी है आज की, तब तो हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं जूम मीटिंग में आने की और सीखने की, तो हमारी नींद नहीं खुलती है, हम तैयारी नहीं हो पाते हैं, हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। ये हम सब लोगों की अपनी कमी है, और ये कमी हमें ज़्यादा दूर तक नहीं लेके जा सकती है। अगर छोटी छोटी हम गलतियाँ लगातार करते जाएँ तो ये कमी हमें आगे तक नहीं लेके जा सकती है, और इसके लिए हम किसी और को दोष नहीं दे सकते, हम खुद को दोष दे सकते हैं कि हमारी कमी, हमारी गलती है कि हम टाइम पे ना अटेंड हो पा रहे हैं और ना लोगों को अटेंड करवा पा रहे हैं, अपनी टीम वाले के जो भी हमारे एक्टिव लोग हैं उनको इसमें हम जूम पे नहीं ले आ पा रहे, ये आपकी हमारी कमी है। और ये कमी अगर हम लोगों में रही तो इस बात की गारंटी है कि आप और आपकी टीम, हम और हमारी टीम कहीं दूर तक नहीं जा सकती है, गोल गोल घूम के रह जाएगी और कहीं दूर तक नहीं जाएगी, हवा निकल जाएगी, रॉकेट जैसा नहीं चल पाएगी। अगर ये कमी रह गई तो लेट ज्वाइन होना, लेट मीटिंग में आना, लेट से सेमिनार में जाना, किसी को प्लान ना दिखाना, किसी को इसके बारे में ना बताना, इसकी जानकारी ना लेना, ये अगर आप में और हमारे अंदर आदत रही तो ये आदत हमें इस बिजनेस में, इस सिस्टम में आगे नहीं ले जा सकती है। तो अब क्या करना है, आप सभी लोगों को टाइम का ध्यान रखना, खास ध्यान रखना टाइम का, मिसमैच डिसमैच मत कीजिए प्लीज़, ये ज़िंदगी बदलने का सिस्टम है। और इसलिए मैंने आप लोगों को ऑनलाइन चलाया, मैं चाहता तो फिजिकल भी बुला सकता था, जैसे मैं अपने ही घर बुला लेता रोज़ आधा घंटा 1 घंटा के लिए, भाई 7 बजे आओ, 8 बजे तक मैं ट्रेनिंग दूंगा बोर्ड पर, तो इसमें से जो जिंदा लोग आप में से होते वो भाग के आ जाते, जो लोग जिंदा नहीं होते, जो नहीं करना चाहते, वो बहाना मारते कि नींद नहीं खुला था, सर दर्द हो रहा था, पेट दर्द हो रहा था, फैक्ट्री में जाना था, नाइट लगा लिया था, बारिश होने लग गई थी, ऐसे बहुत सारे बहाने हैं जो आपको नाकामयाबी की तरफ लेके चले जाते हैं। कामयाबी की तरफ बस एक ही डिसीजन लेके जाता है कि नहीं, मुझे करना है, कुछ भी हो जाए मुझे नहीं छोड़ रहा। तो ये हम सब की कमियाँ, इसे हमें सुधार करना होगा, लेट वाला सिस्टम को सही करना होगा। जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसको बड़े गहराई से समझना, मेरे हर शब्दों को अपने दिल पे लेना, दिल पे, कि अगर ये बता रहा बंदा तो इसने वो काम किया है। मेरी ट्रेनिंग बहुत हार्ड चली, मेरी जैसी ट्रेनिंग आपको चलेगी ना तो उसी दिन से आप RCM छोड़ दोगे और बोलोगे रहने दो प्रमोद सर, मैं जो करता हूँ ना सिलाई वाला काम, दर्जी वाला, नौकरी वाला, वही ठीक है, मैं नहीं इसको कर पाऊँ, मेरे बस का नहीं है RCM, मैं सीख ही नहीं सकता है, ये इस तरह हो जाएगा। और अगर आप अपने पैसे को बढ़ाओगे नहीं ना तो ज़िंदगी भर कर्ज में रह जाओगे। मर्ज और कर्ज ये बर्बाद कर देती है आम इंसान को, मर्ज और कर्ज आम इंसान को बर्बाद करती है, और ये तब होती है जब पैसों की कमी होती है। सबसे बड़ी ताकत पैसा है,
सबसे बड़ा आपका पावर पैसा है, सबसे बड़ा आपका पहचान पैसा है, सबसे बड़ा आपका सब कुछ जो कुछ भी आपके पास है वो सबसे बड़ा पैसा है। सब पूछेंगे तब जब आपके पास पैसा है, लगातार आ रहा है। आप बोलो मेरा अच्छा दोस्त है, बार बार आता, हर बार आता, लगातार आता है, पैसा मेरा दोस्त है, आप उससे दोस्ती करो तब आता है। और आप लोग अपनी पहचान को छुपाओ मत, अपनी पहचान को बनाओ। और जितने लोगों की वीडियो ऑन होती है वो स्क्रीन पर मेरे आ जाती है, 8 लोगों की वीडियो मेरी स्क्रीन पर चलती रहती है, मेरी वीडियो लेकर 9 लोगों के चित्र मेरे स्क्रीन पर चलता रहता है। इस तरह का सिस्टम है ये। अब जितने लोगों की वीडियो ऑन है वो सबकी दिख रही, जैसे होम सिंह का है, दीपक कुमार गुप्ता, संजीत कुमार शाह जी, मदन शाह जी हैं, अंजलि मौर्य, रोहित कुमार जी, अमित मंडल, हसन जी, ये सब लोग की समय वीडियो दिख रही स्क्रीन पर, हमारे सबकी दिख रही है। तो आप लोगों की पहचान बन रही है, हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में जहाँ तक ये वीडियो जाएगी। अपनी पहचान बनाओ, पहचान बनाने से पैसा आता है। जैसे सलमान खान को कितने लोग जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं। अमिताभ बच्चन को कितने लोग जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। अच्छा, आपको कितने लोग जानते हैं, कोई कोई जानता है, कुछ लोग, थोड़े बहुत लोग जानते हैं। मतलब जिसको ज़्यादा लोग जानते हैं उसको ज़्यादा पैसा आता है, आपको कम लोग जानते हैं इसलिए कम पैसा आता है। तो जिस दिन आपको ज़्यादा लोग जानने लग जाएंगे उस दिन आपको भी ज़्यादा पैसे आएगा। जैसे सोशल मीडिया के द्वारा मुझे ज़्यादा लोग जानते हैं, आपके आपसे ज़्यादा लोग मुझे जानते हैं, तो मुझे सोशल मीडिया से पैसा आता है। जैसे मैंने कल स्क्रीनशॉट डाला था कि गूगल से मेरा पेमेंट आ चुका है लगभग 14,000 से ऊपर का, मेल आ गया मेरे पास में कि योर रिसेंट पेमेंट, प्लीज चेक योर, विजिट योर बैंक, तो मेरा पैसा आ चुका। तो मैं बोलने का भी पैसा कमाता हूँ, मेरी पहचान हिंदुस्तान से बाहर भी है तो मैं डॉलर में पैसा कमाता हूँ। आपको मैं चाहता हूँ आप भी इस तरह कमाओ, इसलिए मैं इस सिस्टम में आया और आपको सिखाना शुरू कर दिया हूँ, इसीलिए सिखा रहा हूँ। उसकी भी ट्रेनिंग दूंगा आगे चल करके कि आप कैसे सोशल मीडिया से जो फोटो आप खींचते हो, जो सेल्फी लेते हो, जो आप वीडियो बनाते हो, उससे पैसे कैसे कमा सकते हो, वो भी सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले RCM, ठीक है, इसमें काफ़ी लोग नहीं, एक बार आप सभी लोग चेक करें। मदन सर आप भी चेक करें, आपके साथ वाले कौन नहीं है, मदन जी आप चेक करें। उसके बाद में अमित जी आप भी चेक करें, देखिए रंजीत पाल इसमें है कि नहीं है, चेक करें। सत्यन कुमार सर आप चेक करें इसमें, समसूल जी और उनके साइड के लोग हैं कि नहीं है इसमें, एक बार चेक करें। इसमें बाबूराम को देख लीजिए एक बार, सत्यन सर सबको चेक करें, जो नहीं उन्हें फ़ोन करें, जो नहीं है उन्हें फ़ोन करें और ले आएँ। और मीटिंग ख़त्म होने के बाद भी आप फ़ोन करके पूछें कि आप क्यों नहीं आना चाहते हो जूम मीटिंग में, वजह बता दो कि क्यों नहीं सीखना चाहते हो। अगर आप नहीं सीखना चाहते हो तो मैं आपको फ़ोन नहीं करूँगा, और फ़ोन नहीं करूँगा तो आप मत सीखो, आप जहाँ हो वहीं पड़े रह जाओ। सीधी सी बात है, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है, हमारा भी टाइम लगता है, जूम मीटिंग में आते हैं, हमारा भी मोबाइल का नेट ख़त्म हो जाता है, हम भी चिल्लाते हैं, एनर्जी ख़त्म होती है, सुबह सुबह चिल्लाना पड़ता, बोलना पड़ता है, हमारा भी टाइम लॉस होता है। उसके बाद भी आप लोग सीखना नहीं चाहते हो तो इसमें बताइए हमारी क्या कमी रह जाएगी। आप तो आ गए, आप चेक करो कि पार्टिसिपेट आपके मोबाइल में, यहाँ नीचे स्क्रीन पर जैसे टच करोगे ना तो यहाँ पे दो मुड़ी जैसा छपा पार्टिसिपेंट से लिखा है, तीसरे नंबर पे, जैसे माइक ऑन करते, वीडियो ऑन करते, उसके बाद पार्टिसिपेंट है उस पर टच करो, उसके बाद ऊपर करते जाओ, ऊपर करते जाओ, देखो कौन कौन नहीं है। और उसके बाद भी अगर नहीं दिख रहा कोई तो उसका नाम लिख लो, और मीटिंग ख़त्म होने के बाद उनको फ़ोन करो और पूछो कि आप मीटिंग में क्यों नहीं आना चाहते हैं, रीज़न बता दो, तो मैं आपको कल से फ़ोन नहीं करूँगा, बात ख़त्म। चलिए आगे चलते हैं। RCM बिजनेस में 4 तरह के लोग आते हैं, इसको गांठ बांध लेना, बड़े ध्यान से सुन लेना ताकि आप आगे इसमें काम कर सके। 4 तरह के लोग यहां मैं लिख देता हूं, 4 तरह के लोग, 4 तरह के लोग RCM बिजनेस में आते हैं। पहले नंबर के लोग कौन आते हैं, पहले नंबर के वो लोग आते हैं जो 2000 रुपए का सामान खरीदते हैं, सामान 2000 का सामान लिया, 2000 का सामान लिया, उसके बाद वो करोड़पति बनने का सपना देखते हैं, आईडी लगा लेते हैं, ज्वाइनिंग हो जाते हैं, 2000 का सामान ले लेते हैं। अब उनको लगता है कि भगवान ने मेरी लॉटरी लगा दी है, अब तो इसमें पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा आएगा, खूब पैसा आएगा। ये पहली कैटेगरी के लोग होते हैं जो इसमें इस तरह से आते हैं, इस माइंडसेट से आते हैं, इस सोच के साथ आते हैं कि मेरी तो अब आईडी लग गई, मेरा तो नंबर लग गया, मेरा तो कार्ड बन गया, मेरा तो लॉटरी का टिकट बन गया, अब तो पैसा ही पैसा आएगा। और ये उसके बाद ये दोबारा सामान खरीदने नहीं जाते, 2000 का सामान लेते हैं, अपने लिए लेते हैं, अपने ज़रूरत का लेते हैं, अपने यूज के लिए लेते हैं। उसके बाद ये कभी ना मीटिंग में जाते हैं, ना सेमिनार में जाते हैं, ना अपने अपलाइन से बातचीत करते हैं, ना वीडियो देखते हैं, कुछ नहीं सीखते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। ये पहले लोग हैं, आप लोग लिख लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा ताकि आपको आगे काम आएगा, पहले लोग। दूसरे नंबर के लोग वो होते हैं, नंबर दो, जो दूसरे नंबर के लोग होते हैं, बाजार और 50%
आरसीएम, ये वो लोग होते हैं जो 50% बाजार से लाते हैं, 50% आरसीएम से लाते हैं। यानी जो बाजार में आरसीएम से सस्ता सामान जो बाजार में मिलता है ये बाजार से ले आते हैं। जैसे साबुन आरसीएम से ले लेंगे, नमक आरसीएम से ले लेंगे, और हल्दी या मसाना या टूथपेस्ट वगैरह आरसीएम से ले लेंगे, जो बाजार से सस्ता लगता है वो आरसीएम से ले आएंगे। बाकी चीज़ें जो है वो सब बाजार से ले आएंगे, किराना स्टोर से ले आएंगे, मार्केट से खरीद के ले आएंगे, और ये उम्मीद करते हैं कि आरसीएम से खूब पैसा आएगा, झोला भर के पैसा आएगा, ऐसा उम्मीद करते हैं ये लोग जो ऐसी सोच वाले हैं कि आधा सामान आरसीएम का आधा सामान। अब आप एक बात बताओ, यानी शरबत भी पी रहे हो दूध भी पी रहे हो, क्या होगा फिर? अभी अंजलि दीदी पिला रही थी किसी को, नींबू नमक पानी मिला के पिला रही थी सुबह सुबह, आवाज़ आ रही थी, तो ये क्या होगा बताओ? साथ में दूध पिला दो तो क्या होगा उसका, फिर तो काम खराब। तो ऐसा मत करो आप लोग, गलती हो जाएगा। ये लोग आते हैं और आरसीएम से उम्मीद करते हैं कि बहुत पैसा आएगा, तो ऐसा नहीं आएगा दोस्त, गलत बात। ठीक है, आधा सामान बाजार से लाते हो, आधा आरसीएम से लाते हो, नहीं आएगा पैसा, गलत बात है। तीसरे नंबर के लोग, नंबर तीन, तीसरी कैटेगरी वो होती है जो 1500 PV, 2500 PV, 5000 PV करते हैं। ये PV है, PV मतलब परचेजिंग वैल्यूम होता है, परचेजिंग वैल्यूम जो हम करते हैं 1500, 1500, 2500, 5000, ये इतना PV करते हैं, लेकिन कभी भी प्लान में नहीं जाते हैं, सेमिनार में नहीं जाते हैं, किसी को बताने नहीं जाते हैं, अप्लाइंस से मिलने नहीं जाते हैं, बस ये इतना खरीदते हैं। इनको बता दिया गया कंसिस्टेंसी करो, आप 1500 करो तो 1500 करने लगे, आप 2500 करो तो ये 2500 करने लग गए, आप 5000 करो तो 5000 भी करने लग गए महीने का, लेकिन कहीं ना जाते हैं, ना बताते हैं, ना किसी को समझाते हैं, ना मीटिंग में आते हैं, ना मीटिंग में ले आते हैं, ना सेमिनार में लेकर के जाते हैं, बस ये उम्मीद करते हैं कि मुझे तो बहुत पैसा आरसीएम से आएगा। एक बात बताइए ईमानदारी से, क्या आज से पहले आप सामान बाजार से नहीं लाते थे? आज से पहले आप राशन नहीं खाते थे? आज से पहले तेल मसाला हल्दी नमक चाय पत्ती सर्फ साबुन धनिया मिर्चा नहीं लाते थे? लाते थे, वहाँ से कितना पैसा आता था? कुछ नहीं आता था। और वही काम अगर आप यहाँ करते हैं आरसीएम में आने के बाद भी करते हैं तो आपको क्या पैसा आएगा? लेकिन फिर भी फायदा मिलेगा, जितना खरीदारी आप करोगे अगर पर महीना, एक चीज़ यहाँ समझ लो, इस पर समझ लो आप, ये बीच वाले समझ लो पहले, अगर कोई व्यक्ति हर महीने 100 PV से ज़्यादा करता है, लगातार 6 महीने करता है, कितना महीना? 6 महीना अगर लगातार कोई करता है, 100 PV से प्लस होना चाहिए, तो पूरे 6 महीना होने पर आपको 12% से लेकर के 16% प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, 12 से 16%। लेकिन अगर आपने 4 महीने किया, 5वां महीना आपने नहीं किया 100 PV से ज़्यादा, तो आपको कुछ नहीं आएगा। ये भी सुन लो, अगर कोई व्यक्ति है कभी 500 का लाता, कभी 1000 का लाता, कभी 1500 का, कभी 2000 का, कभी कुछ ले आता है और लगातार ले आता है, तो उसको सामान फ्री मिलेगा, पक्का मिलेगा। लेकिन कोई महीना मिस नहीं होना चाहिए कि भाई इस महीने इसने कुछ नहीं लिया, नहीं लिया तो नहीं आएगा, लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 6 महीने लगातार लेने पर आएगा, वो इनके लिए जो आधा बाजार से आधा आरसीएम से लाते हैं। अब यहाँ पर समझने की बात क्या है कि अगर ये बंदा आधा सामान बाजार से ले आया और आधा सामान आरसीएम से ले आया, तो आरसीएम से 6 महीना लाने के बाद इसको सामान फ्री मिला, चाहे इसको 500 का ही सामान फ्री मिला, लेकिन मिला। लेकिन जो आरसीएम या बाजार से ले आया सामान, क्या यहाँ से कोई फ्री सामान मिला? कुछ नहीं मिला। फिर भी भेजे में बात आती नहीं है कि बाजार से भी मैं 6 महीना लाया, आरसीएम से भी लाया, अब आरसीएम से मुझे 500 का सामान फ्री मिला, लेकिन बाजार से कुछ नहीं आया। फिर भी वो बाजार से ही लाता है बाद में, ये नहीं कि इधर से फ्री आता तो इधर से लाना शुरू कर दूँ, नहीं आता बात दिमाग में। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, सभी लोगों को? सुन लेना बढ़िया से, आपको काम आएगा आगे, नहीं तो फेल हो जाओगे, फिर हमको नहीं बोलना, परमेश्वर बताए नहीं थे। सुन लेना, आँख और कान दोनों इधर ही रखो। तो ये चीज़ें हैं, तीसरे नंबर की कैटेगरी के लोग हैं जिनको 1500, 2500, 5000 बोला गया वो करते हैं, मीटिंग सेमिनार में नहीं आते, बताते नहीं, जाते नहीं, जगाते नहीं, कुछ नहीं करते हैं, बस एक ही बात बोलते हैं हमको नहीं आता, हमसे नहीं सुनता, हमसे नहीं नहीं हो रहा है तो अपलाइन से बात करो, वीडियो देखो, उसके बारे में सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो जा करके कि लोगों को कैसे बुलाएं, लोगों को कैसे बताएं, लोगों को कैसे समझाएं, लोग नहीं मीटिंग में आते तो किस तरह लेकर के आए, लोग बिजनेस नहीं करना चाहते कैसे बिजनेस उनसे करवाएं, लोग निगेटिव आदमी को कैसे पॉजिटिव करें, इस तरह का जो भी मन में सवाल आए हैं। सुबह का जो मैं वीडियो डालता हूँ गुरुकुल का, वो गुरुकुल वाली वीडियो आप देखिए, उस गुरुकुल की वीडियो को मैंने कल से परमानेंट लोगों को दिखाना और ग्रुप में भेजना शुरू कर दिया। मीटिंग खत्म होने के बाद गुरुकुल जो अपने कंपनी के मालिक है त्रिलोक चंद छाबड़ा जी, वो इस समय सेशन ले रहे हैं डायरेक्ट नए लोगों का, जो नए नए लोग हैं उनका सेशन ले रहे हैं, बिल्कुल नए लोगों से बात कर रहे हैं, तो वो वीडियो जब डाली जाएगी तो उससे आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो इधर उधर मत भटको, आप इधर उधर मत भटको, इधर उधर भटकोगे तो भटक जाओगे, लटक जाओगे, फिर कुछ फायदा होगा नहीं।
कोई आपको दूसरे हिसाब से समझाएगा, कोई तीसरे हिसाब से समझाएगा, कोई दूसरे कंपनी का प्लान बीच में लेकर आ जाएगा, तो इधर उधर अगर आप सर्च भी करोगे वीडियो तो बेकार हो जाएगा काम। आपको जो सवाल करना है आप सवाल हमसे कर सकते हो, बाकी अगर आपको ऐसा कोई जानकारी लेना है वीडियो से तो आप वही वीडियो देखो जिससे आपको इस फील्ड के बारे में सीखने को मिले, वो देखो, इधर उधर की वीडियो नहीं देखना। बाकी जो टीसी सर की गुरुकुल की वीडियो डालता हूँ मैं खुद देखता हूँ, कल मैंने स्क्रीनशॉट लेकर सब वीडियो का स्क्रीनशॉट आपको उसमें डाला, जो मेन चीज़ें थी उसको पढ़ लो तब भी आपका काम हो जाएगा। तो तीसरे कैटेगरी के लोग कौन से हैं, जो पीबी तो करते हैं लेकिन बिजनेस नहीं करते, मिशन पर कामयाब नहीं है। अच्छा नंबर चार, ये चौथे कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिसमें से आप सभी आते हैं, हो सकता है, लेकिन हो सकता है आप लोग में भी नहीं आते होंगे, सुन लेना बड़े ध्यान से। ये चौथे नंबर की कैटेगरी उनकी होती है जो ये लोग 1500 पीबी या 2500 पीवी या 5000 पीवी करते। पीवी का मतलब ये होता है जब हम सामान को खरीदते हैं, यानी हमने 100 रुपये का सामान खरीदा तो 50 पीवी बनता है, अगर हमने 2500-3000 का सामान लिया तो 1500 पीवी बन जाता है, इस पीवी का पैसा आता है, ये पॉइंट है, इसी का पैसा यानी 50% बनता है। अगर हम न्यूट्रिशियन लेते हैं, न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट लेते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, टेबलेट लेते हैं, प्रोटाइट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, तो उसमें ज़्यादा बनता है, क्लियर, तो वहाँ पर हमको ज़्यादा पैसा आता है, तो ये पीवी हमारा 50% बनता है, उसी का पैसा आता है। एग्जाम्पल, जैसे हम जब दूध को खरीदते हैं तो दूध हमारा 60 रुपया किलो है, लेकिन दूध से जब खोआ बनता है तो खोआ कितना रुपया किलो है, 700 रुपया किलो है, दूध था, दूध है 60 रुपया किलो और खोआ है 700 रुपया, 600 रुपया किलो, सोचो कितना महंगा, जो कि वो खोआ उसी दूध से निकलता है, अलग से नहीं आता है, खोआ दूध से ही निकलता है, लेकिन दूध 60 रुपया किलो, खोआ 600 रुपया किलो है, बताओ फर्क है ना। तो ये खोआ है, ये जो पीवी है ये खोआ है, इसी में से आपको रसगुल्ला बनेगा, नहीं फायदा मिलेगा, ये बनाना जरूरी है, ठीक है। ये 1500-2500-5000 पीवी करते हैं वो लोग करते हैं, नंबर चार वाली कैटेगरी वाले लोग करते हैं, ये लोग प्लान पर भी जाते हैं, ये लोग अपने मीटिंग में भी जाते हैं, ये लोग हमेशा सीखना शुरू करते हैं, सीखना ये सीखते रहते हैं, ये वो हर काम करते हैं जो इस बिजनेस के लिए चाहिए, इस बिजनेस को आगे बढ़ाता है, सिस्टम को आगे बढ़ाता है, इस मिशन को आगे बढ़ाता है। देखिए मैं भी अभी आपको बिजनेस बोल रहा हूँ लेकिन अब बिजनेस रहा नहीं, क्योंकि ये चार साल से बिजनेस बोलते बोलते ना हमको भी आदत पड़ गई है, इस आदत को ख़त्म करना पड़ेगा हम सभी लोगों को, लेकिन कई बार हमें ऐसा बोलना इसलिए पड़ता ताकि समझ में आए, मिशन बोलेंगे तो बोलेंगे मिशन क्या होता, जब बिजनेस बोलेंगे हाँ हाँ तब तो पैसा आएगा बिजनेस से, ऐसा भी होता कई बार, इसलिए भी बोलना पड़ता नए लोग के सामने। तो ये मिशन है, क्या है, आरसीएम मिशन है, आरसीएम मिशन है, आरसीएम मिशन है, इसको बिजनेस नहीं बोलना है, इसको मिशन बोलना है, ठीक है ना, ये मिशन है, इस पर काम करना हमें। तो ये 1500-2500 लोग वाले लोग होते हैं जो लगातार फील्ड में आते हैं, जो मीटिंग में आते हैं, काउंसलिंग में आते हैं, अप्लाइंस से बातचीत करते हैं, सेमिनार में जाते हैं, लगातार सीखते रहते हैं, भेजी गई वीडियो को देखते रहते हैं, और ये लोग इस बिजनेस में, सिस्टम में कामयाब होते हैं, मिशन में कामयाब होते हैं, आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जो लोग सीखने को तैयार नहीं होते हैं वो कभी भी इस मिशन में आगे नहीं जा सकते हैं। तो ये चार कैटेगरी में आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं आप चेक कर लेना। पहली कैटेगरी जो 2000 का सामान लेते हैं, करोड़पति और लखपति बनने का सपना देखते हैं, जो कि ऐसा हो नहीं सकता, कभी ना हुआ है। दूसरी कैटेगरी के लोग जो आधा सामान बाजार से, आधा सामान आरसीएम से लेकर के आते हैं और ये भी करोड़पति बनने का सपना देखते हैं, ऐसा होता नहीं है। तीसरी कैटेगरी के लोग पीवी तो पूरा करते हैं, कभी प्लान सेमिनार मीटिंग में नहीं जाते, सीखने को तैयार नहीं है, इनसे भी कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ सामान मिलेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग्य रहेंगे, डॉक्टर से हॉस्पिटल से बच जाएंगे। नंबर चार की कैटेगरी जो आती है 1500-2500-5000 पीवी करते भी हैं, लोगों को कराते भी हैं, बताते भी हैं, सीखते सिखाते भी हैं, मीटिंग माहौल में जाते भी हैं, भेजी गई वीडियो को देखते भी हैं, यही वो लोग हैं जो इस सिस्टम में कामयाब होते हैं, इस मिशन में कामयाब होते हैं, इसी में स्टार टेक्निकल रॉयल्टी जो भी लेवल होता है वो सब लेवल लेकर के आते हैं, ढेर सारा पैसा कमाते हैं, क्योंकि वो रोज़ सीखते हैं, रोज़ सीखते हैं, रोज़ सीखते हैं। जो बच्चा रोज़ स्कूल जाता है, रोज़ स्कूल जाता है, रोज़ स्कूल जाता है, वो जरूर पास हो जाता है, जरूर पास हो जाता है, एक बार नहीं दूसरी बार जरूर पास हो जाता है। लेकिन जो बच्चा कभी कभी स्कूल जाता है, कभी कभी स्कूल जाता है, वो बच्चा पास नहीं हो सकता, वो कभी पास होगा कभी नहीं हो पाएगा। जो बच्चा बिल्कुल स्कूल नहीं जाता है वो तो बिल्कुल भी पास नहीं हो सकता है। तो हमें रोज स्कूल जाना चाहिए या कभी कभी जाना चाहिए, तो आप कहोगे रोज जाना चाहिए। हमें रोज खाना खाना चाहिए कि कभी कभी खाना चाहिए, रोज खाना चाहिए। हमें रोज नहाना चाहिए कभी कभी नहाना चाहिए, तो रोज नहाना चाहिए। हमें रोज ब्रश करना चाहिए कि कभी कभी करना चाहिए, तो रोज ब्रश करना चाहिए। हमें बहुत सारा काम ऐसा है जो रोज करना चाहिए, रोज करना चाहिए। अगर हम एक दिन, दो दिन करेंगे, तीन दिन नहीं करेंगे तो वो काम खराब है, क्लियर। तो चलिए हम अपनी बातों को यहीं पे विराम देते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये चारों स्टेप में आप समझ गए होंगे, और मैंने पीवी की जो बात किया है,
कई लोग आईडी लगा लेंगे, 3 महीना खरीदारी करेंगे, 4थे महीने नहीं करेंगे, आपको बोलेंगे सर जी हमको तो कुछ आता ही नहीं है, फ्री वाला प्रोडक्ट भी हमको नहीं आ रहा है। तो आप उनको चेक करें क्रोम ब्राउजर पे जाकर कि उन्होंने 6 महीना लगातार खरीदारी किया है कि नहीं किया है। अगर उन्होंने 6 महीना लगातार खरीदारी किया है तो उनको आएगा, अगर उन्होंने बीच में किसी महीने मिस कर दिया है तो नहीं आएगा। क्लियर, ये बात आपको ध्यान रखनी है अगर आपकी टीम में आपने ज्वाइनिंग करवाया है तो। इसलिए लगातार कम से कम 100 PV से प्लस होना चाहिए, तब जाकर के फ्री वाला सामान आपको आएगा। अगर आपने 5 महीना सामान लिया और 6वें महीने आपने कुछ नहीं लिया, नहीं मिलेगा फ्री सामान, इसको मान लो आप, ठीक है। इसलिए कंसिस्टेंसी के साथ काम करें। अब इसमें से आप किस पे आते हैं, पहले दूसरे तीसरा चौथा, किस पे आते हैं, किस पे आना चाहते हैं, एक बार कमेंट करके बताएं कुछ लोग, कौन से नंबर पे आप रहना चाहते हैं, कमेंट कर सकते हैं। 4 अमित मंडल जी 4थे नंबर पे, जो सही से सुने होंगे वही कमेंट करेंगे ना। 4 4 4 4 अनूप 4, मदन शाह जी 4 4, नहीं मक्तर 4, ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, शानदार 4, नूर मोहम्मद 4, संजीत कुमार शाह जी 4, शानदार, मतलब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सुन रहे हो हमारी बातों को। हाँ, जिनको कमेंट करने, होम सिंह 4, बहुत बढ़िया, जिनको नहीं कमेंट करने आता कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, धीरे धीरे आ जाए। मुन्ना यादव 4, दीपक एक्शन टीम 4, बहुत बढ़िया, हाँ 4, कमल कुमार जी 4, आनंद कुमार जी 4, शानदार शानदार सर, शानदार, गजब, मतलब आप लोग बड़े ध्यान पूर्वक हमारी बात, शमसुल जी भी 4 4, दीपक कुमार गुप्ता 4, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, श्यामू जी भी 4, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत अच्छा। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस जूम मीटिंग में आने के लिए। लगातार सीखो, लगातार सीखो, लगातार सीखो, बाबूराम 4, लगातार सीखो, आपके पास जो तलवार है उसकी धार को लगातार 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 तेज करो, तेज करो, तेज करो, तेज करो, तेज करो। दयानंद गुप्ता 4, अगर अपनी धार को तेज करके रखोगे ना तो आप किसी भी पेड़ को काट सकते हो। अगर आपकी तलवार चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर उसमें धार नहीं है तो नहीं कटेगा। आपका चाकू अगर तेज है, रविंद्र कुमार 4, अगर आपके चाकू में धार है तो आप सब्जी को काट सकते हो, अगर आपके चाकू में धार नहीं है तो साग भी नहीं कटेगा, पालक भी नहीं कटेगा, जोर लगा के हार जाओगे, धनिया भी नहीं कटेगा। तो धार को तेज करो, धार को तेज करो। धार का मतलब क्या है, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी जानकारी को बढ़ाओ, इस सिस्टम की, इस मिशन की जानकारी को बढ़ाओ। लगातार मीटिंग में आओ, लगातार जूम में आओ, और अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी बैठे हो, बैठ कर यहाँ से डायरेक्ट सीख सकते हो, ये आपके लिए अच्छी बात है। इसके लिए कहीं भाग दौड़ करना नहीं है, सुबह तैयार होकर के ट्यूशन में, स्कूल में जाना नहीं है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। आप अपने काम को करते करते सीख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो, कोई सवाल पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आज हम लोग 31 लोग हैं, आज हम लोग 2 लोग 3 लोग प्लस हो गए हैं। अगर आप लोग अपनी बात को रखना चाहते हैं तो आप अपना हैंड राइज कर सकते हैं, कुछ भी विचार रखना चाहते हैं, कोई भी सवाल मन में चल रहा है, पूछना चाहते हो तो अपनी बात को आप रख सकते हो। दीपक कुमार गुप्ता जी, जी दीपक जी, मैंने आपको अनम्यूट किया। जी सर नमस्कार, जय आरती हम सभी को। जैसा कि आप जो मिशन पर हम लोग काम करते हैं, इस मिशन में हम सबको बने रहना होगा। और जैसे सुबह में मेरा होस्टिंग था, मेरा नेट न चलने की वजह से हमारे चांस मिस हो गया है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो जूम वेबिनार में आज हमारे पास 31 लोग है, हमें 50 में कन्वर्ट करना है। एक्शन टीम जो रात को चलते है उसे यहाँ पर प्लस करना है। इसके लिए हम मिशन पर काम करते हैं और मिशन को आगे ही लेकर चलना है, यही हम सबसे कहना चाहते हैं कि। और इस मिशन पर जितना लोगों ज्यादा से ज्यादा हमारे पास होगा उतना बड़ा हमारा मिशन कामयाब होगा। थैंक यू सर, जय आरती। बिल्कुल, इसमें हम सभी लोगों को मिलकर के काम करना होगा, किसी एक व्यक्ति से बड़ा होने वाला नहीं है। आप सबकी और हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम सब लोगों को रात में 11 बजे वाले में भी आना है। आप सब लोग रात में 11 बजे वाले में भी आओ। नईम अख्तर जी भी कुछ बोलना चाहते हैं, सर मैंने आपको अनम्यूट किया। नईम अख्तर जी प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी। सर हम ये कहना चाहते हैं कि जिसको इनवाइट करते हैं, जैसे कि कॉल पे इस मिशन के लिए कुछ जानकारी देना चाहते हैं, हमारा दोस्त आना चाहता है, उससे थोड़ा एक बार मिल लीजिएगा, तो वो टाइम देता है सर, पर जब टाइम आता है करीब तो कॉल करते हैं, कॉल रिसीव नहीं करता। ये बात रात कोई में कोई बंदा ऐसे मिल जाता है, ये सवाल है। रात में ये बात बताई गई, यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। 10 को बताओगे, 10 को फ़ोन करोगे, तैयार रहेंगे, लास्ट वाले दिन 10 वाले 6 गायब हो जाते हैं, 4 बजते 4 फ़ोन उठाते हैं, 4 में से किसी का भैंस बीमार होगी, किसी के दांत में दर्द हो जाएगा, तो 10 में से 2 ही 3 लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ में चलेंगे।
सेम उस तरह के जैसे आपने हाथ में अपने ढेर सारा गेहूं लिया है, गेहूं गेहूं को आप खेत में छींट देते हो, तो उसमें से क्या होता है कि सब गेहूं नहीं जाम जाता है, कुछ जामता कुछ मर जाता, कुछ उसको जो मोर नहीं होता, मोर मुरैला चिड़िया खा जाता है, कुछ तो गल जाता कुछ खा जाता है, कुछ जामने के बाद भी ख़त्म हो जाता है, कीड़े खा जाते हैं। तो इस तरह का ये भी सिस्टम है, बिल्कुल आपका सवाल सही है। लेकिन हाँ, तो हमें ज़्यादा लोगों को इनवाइट करना, कुछ तो आएंगे, और बाकी इनवाइट करने का तरीका आपको सीखना है, वो हम आपको बता देंगे, अभी टाइम नहीं इसमें, क्योंकि लास्ट पे चल रहे हैं थोड़ा सा। हम शमसुल हक जी भी हैं, हैंडराइज करके रखे हैं शमसुल जी, इनको भी हम करते हैं म्यूट, शमसुल जी को बताएँगे सर उसके बारे में, घबराइए मैं। एक दिन आप सब लोगों का, हम सब लोगों का ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही करेंगे मीटिंग में, सब लोग अपने सवाल को ले आना। चलिए आइए सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार शमसुल जी। नमस्कार सर। नमस्कार। जय आरसीएम जी। सर जी, सर जी आपके बातों सुन के दिमाग में तो एकदम करंट आ जाता है, लेकिन शायद हम एक दो महीना जो थोड़ा सा स्लो हो गए, इसके कारण हमारा भी नुकसान हुआ है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन आपकी बातों से तो लगता है कि दिन अभी है जो निकल गया, नहीं अच्छा लगता सुन के, इस बात पे मैं एकदम कायम कायम रहूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। और कोई और है, तीसरा कोई कौन है? मुस्कान जी। जी अनम्यूट। जी सर, जी अच्छा लगा कि लोग अपनी गलती भी मानते हैं और स्वीकार करते हैं सबके सामने कि हमने गलती की है एक दो महीने की और हम सीख नहीं पाए या हम वहां से रह गए। और कल ही हमने बात की थी तो हमने कहा था अपलाइन की वैल्यू और टाइम की वैल्यू, ये दो चीजें मैंने कल भी बोली थी अपनी लाइन में। yes. तो चलो आज अगर उनका नेट इश्यू था दीपक जी का, तो उनकी भी गलती है कि अगर उनको पता होना चाहिए कि अगर मुझे आज होस्टिंग मिला है, मेरे ऊपर जिम्मेवारी है, तो हमें 5 मिनट पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए कि हमें कैसे करना है, क्योंकि अगर वो 40 तक भी आते तो उनका टाइम उनके पास मिलता, और वो नहीं आए टाइम से तो उनका टाइम कोई और ले गया। तो अगर यहाँ पे किसी का टाइम होता तो उसको समझना चाहिए कि क्या वैल्यू है और उसको अपनी जिम्मेवारी का पूरा पता होना चाहिए। आई होप कि वो अब आगे से ऐसा गलती नहीं करेंगे। और जो हमने कल का टाइम रखा है वो परवेज आलम जी का रखा है, तो मैं चाहती हूँ कि वो टाइम से आए और उनका टाइम ऐसा हो कि हाँ उनको पता होना चाहिए, उनकी वैल्यू होनी चाहिए टाइम की। तो आप लोग अपना ध्यान रखें और प्लीज आप लोग अपना खुद से, जैसे परवेज जी आए हैं, मैंने ग्रुप में बोला था कि आप आगे आके बोलें कि हाँ मुझे होस्टिंग करना है, हम सबको एक एक चांस देंगे और सभी से सोचते हैं कि सभी सीखें और सभी हमारे साथ आगे बढ़ें, तभी सर जी का नाम होगा कि हाँ। तो सर इसी के लिए बस थैंक यू, धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि सब लोग एक बार जरूर बोलें कि हाँ हम आगे आके काम करेंगे और ऐसे सीख के होस्टिंग के लिए भी आएंगे और टाइम का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद सर। बिल्कुल।